इस क्वेश्चन में कह रहा है, 1 मिमी व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8×10^22 हो तो ज्ञात कीजिए, पहला विद्युत धारा तथा दूसरा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो देखो, सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है कितना, 1 mm। तो डी बराबर सॉरी, इसका वो निकाल लेते हैं ना, डी इक्वल टू दे रखा है 1 mm, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/2, मतलब 0.5 mm। तो r बराबर 0.5×10^-3 मीटर, मतलब r बराबर कितनी हो गई, 5×10^-4 मीटर। ठीक है, अब देखो समय कितना दे रखा है, 75 मिनट, तो हमें सेकंड में चाहिए, तो 75×60 सेकंड, और 90 कूलम है तो क्यू बराबर हो गया 90 कूलम। ठीक, और प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 5.8×10^22 है, लेकिन ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, हमें इसे मीटर में चेंज करना है। तो 10^6 की मल्टीप्लाई कर दो, 5.8×10^22×10^6 1/m³। तो ये कितना हो गया, एन बराबर आ गया 5.8×10^28 1/m³। क्लियर। अब सबसे पहले धारा की बात करते हैं, तो धारा क्या हो गई, I इक्वल टू क्यू बाय टी, तो I बराबर कितना हो गया, क्यू कितना है 90 कूलम, बटे समय कितना है 75×60, 1 0 से 1 0 गया, 3 से ये कैंसिल 2, और 3 से 75 कैंसिल 25, तो 25×2, I बराबर 1/50 एम्पीयर, या I बराबर 0.02 एम्पीयर, या आई बराबर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अरे यार ये गलतियां क्यों होती है थोड़ी बहुत, आई बराबर 2×10^-2 एम्पीयर। क्लियर, ये धारा आ गई। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अनुगमन वेग। तो सेकंड पॉइंट, I इक्वल टू क्या होता है, NeaVD, VD यहाँ पे अनुगमन वेग है, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन NeA। ठीक ना, I अपॉन NeA, तो अनुगमन वेग, धारा कितनी होगी, 2×10^-2। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.8×10^28 गुणे इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू 1.6×10^-19, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14×5×10^-4 का स्क्वायर। ठीक, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2×10^-2, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.8×1.6×3.14, तो 5.8×1.6×3.14, 5 का स्क्वायर हो गया 25×10^, 10 की पावर यहाँ है 28, थोड़ा पीछे करके लिख लेते हैं तो फिर जगह कम पड़ जाएगी, 10 की पावर 28, यहाँ पे है 10^-19, तो -19, और यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -8, तो -8। ठीक, तो देखो 19 8 27, ये 28 कैंसिल 10^1 बचा। ठीक, ये हो गया, इस 10^1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 से कर देते हैं, चलो तो 16 हो जाएगा। तो VD बराबर कितना आ गया, 2×10^-2
डिवाइडेड बाय 5.8 इंटू 1.6 इंटू 3.1, एक मिनट इसे तो मल्टीप्लाई कर देते ना, 1.6 की, तो गुणे ये 16 हो गया था, ठीक, गुणे 3.14। अरे यार ये बार बार गलती, 3.14 गुणे 25। अब इसे भाग लगा देते हैं, 2.58 भागा 16 भागा 3.14 भागा 25, तो ये आ गया 2.74 गुणे 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर?